شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله جل شأنه महा रमज़ान का तारफ़ कराते हुए अर्शायत फरमाता है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने क़ुरान नादिल किया है और रमज़ान को जो शरफ़ जो आजमत हासिल है आप अदबा तो उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं तो रमज़ान को आज़मत इसलिए मिली कि इस महीने में कुरान नादिल हुआ है तो जब कुरान के नादिल होने से रमज़ान को अजमत मिल गई तो खुद क़ुरान मजीद कितनी अजमतों का हामिल और मालिक होगा कुरान मजीद के तारफ़ में बहुत सारी आयतें मौजूद हैं एक आयत मैंने गुजत तकरीर में अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद कुरान का तारफ़ कराते हुए उसे नूर करार देता है कि कुरान नूर है नूर की खासियत कल इशारा किया था मैंने कि नूर की खासियत ये है कि उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है नूर की रफ़्तार तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड है नूर की दूसरी ख़ासियत जो होती है वो ये है कि नूर जो है वो उसके अंदर तरबियत करने की ताकत पाई जाती है परवान चढ़ाने की उसके अंदर सलाहियत होती है नूर आलम मादा का सबसे बड़ा मुरबी है अगर सूरज की रोशनी न होती तो पेड़ पौधे परवान न चढ़ते फलों में मिठास ना आती बादल नजर न आते और इंसानों, हैवान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती तीसरी ख़ासियत जो नूर की है वो ये है कि नूर जरासीम कुश है अशिया को चीज़ों को आफतों से महफूज रखता है देखिए सूरज की रोशनी में सूरज से जो शुवा निकलती हैं वो तकरीबन सात तबके के ऊपर मुश्तमिल होती हैं ये शुआँ सबसे नीचे ये जो है सुरख शुआ होती है रेड रे होती है और सबसे ऊपर जो है ये वायलट रे होती है लेकिन एक रे और है एक शुआा और है जो नज़र नहीं आती जो दिखती नहीं है उस रे या उस शुआ का नाम है अल्ट्रा वायलेट रे अल्ट्रा वायलेट रे की खसूसियत ये है कि ये रे ये शुआ जरासीम खुश होती है जरासीम को पनपने नहीं देती है अगर ये शुआ न होती अगर ये अल्ट्रा वायलेट रे न होती तो दुनिया एक अजीम अस्पताल में तब्दील हो जाती है इसीलिए कहा जाता है कि जिस कमरे में सूरज की शुआएं पहुंचती हों वहाँ डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है तो क़रन मजीद ने कुरान का तारुफ जो कराया है वो नूर से कराया तो अर्ज़ किया कि नूर की पहली ख़ासियत ये है कि उसकी रफ़्तार बहुत तेज़ होती है दूसरी खासियत ये है कि इसके अंदर परवान चढ़ाने की सलाहियत होती है तीसरी खासियत ये है कि ये माइक्रोब, जरासिम और हर तरह की आफातों को ख़त्म कर देती है अगर कुरान मजीद नूर है तो कुरान में ये तीनों खसूसियतें पाई जाती हैं कुरान मजीद जिसे नूर कहा गया है वो वह इल्लाह का सफ़र तय करने के लिए सबसे ज़्यादा सूरत अगर कोई चीज़ दे सकती है तो वो कुरान मजीद है जितनी तेजी के साथ इंसान इस सफ़र को तय कर लेता है वो सूरत क़ुरान के बगैर नामुमकिन है कुरान मजीद, अखलाकी बुराइयों के जरासीम को मार कर इस तरह वो बेचैनी को अमन व सुकून में तब्दील कर देता है और इंसानों के लिए बेहतरीन मुरब्बी भी है इंसानों को जितनी तेज़ी के साथ जितने अच्छे तरीके से क़ुरान परवान चढ़ाता है किसी और चीज़ में वो सलाहियत मौजूद नहीं है कि जो उसे परवान चढ़ा सके अजीज़ों ये एक नमूना था जो मैंने क़रन मजीद से पेश किया आजमत कुरान के सिलसिले में हदीसें भी इस सिलसिले में बहुत हैं चुनाचे मैं एक बतौर नमूना एक आत हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम एक हदीस में कुरान मजीद को सबसे बड़ी दौलत करार देते हैं जिसके पास कुरान की दौलत आ जाए उससे बड़ा मालदार इंसान तस्वर नहीं किया जा सकता चुनानचे सरकार मरतबत फरमाते हैं लाइम बिहा क़ुराना मिन हामिल क़ुरान को अपने से ज्यादा दौलतमंद अपने से ज्यादा मालदार इस कुर अर्ज पर किसी को नहीं समझना चाहिए वलो मलक दुनिया बेरह बेह चाहे उस इंसान के पास दुनिया की सारी दौलत इकट्ठा हो जाए यहाँ बात अरबों खरबों की नहीं है सारी के सारी दौलत भी अगर किसी के पास इकट्ठा हो जाए और वह हामिल क़ुरान नहीं है तो हामिल कुरान चाहे फ़क्र फाका ही के की ज़िंदगी क्यों बसर करता हो उससे ज़्यादा मालदार है अलबत् यहाँ ताबीर हामिल कुरान की है क़रन के सिलसिले में तीन ताबीरें हैं एक है कारी क़रन एक है हाफिज कुरान और एक है हामिल कुरान कारी कुरान कुरान पढ़ने वाले को कहते हैं हाफिज़ कुरान वो है जिसने पूरा कुरान याद कर लिया है लेकिन हामिल कुरान उसे कहते हैं जो क़ुरान पढ़ता भी है समझता भी है और उसकी तालीमात पर अमल भी करता है उसे हामिल कुरान कहा जाता है अगर इंसान हामिल कुरान है तो फिर उससे ज़्यादा दौलतमंद उससे ज़्यादा मालदार कोई और इंसान तसवर नहीं किया जा सकता है हदीसों में दूसरा फ़ायदा दूसरी अजमत जो कुरान मजीद की बयान की गई है वो ये है कि देखिए हर इंसान ये चाहता है कि समाज में उसे इज़्ज़त की निगाह से देखा देखा जाए उसे माशरे में इज़्ज़त मिले एहतराम से लोग उसके साथ पेश आए और इंसान को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का बड़ा शौक़ होता है इंसान ये चाहता है कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो उसकी शख्सियत ऐसी हो कि हर शख्स की निगाहें खीरा कर जाएं हर शख्स उसे इज्जत से देखने पर मजबूर हो जाए अब हर शख्स की निगाह में हर समाज में शख्सियत का और पर्सनालिटी का अज़मत इज्जत का मैार अलग अलग होता है तौर से हमारे समाज में दौलत को मेयार माना जाता है शख्सियत के लिए इज्ज़त अहतराम के लिए एक बज में अगर आलिम व मुत्तकी गरीब आ जाए और इसकी बज में अगर जाहिल बदमाश आवारा मालदार कोई आ जाए तो उस गरीब परहेजगार को हम इज़्ज़त की निगाहों से नहीं देखते हैं जितना हम एहतमाम और अहतराम उस मालदार का करते हैं लेकिन इस्लाम का नज़रिया इससे हट करके है इस्लाम अज़मत का मैार जो करार देता है कुरान के सिलसिले व कुरान के तलुक़ से सरकारी ख़तम मरतबा हज़रत महम्मद मुतफ़ा सल्लासम का इर्शाद है कि अशराफ उम्मती हमालन वब्ल मेरी उम्मत में सबसे बड़ी शख्सियत का मालिक वो है सबसे अच्छी पर्सनल्टी उस शख्स की है सबसे ज़्यादा ज वो मुकर्रम वो इंसान है जो हामिल कर्न है कारी कुर होने के अलावा कुरान को पढ़ने और समझने के अलावा कुरानी तालीमात पर अमल भी करता है हामिल कुरान होने की वजह से इंसान को वो पर्सनालिटी मिल जाती है वो शख्सियत मिल जाती है कि उसका मुकाबला कोई शख्सियत नहीं कर सकती उसका मुकाबला कोई पर्सनैलिटी नहीं कर सकती दो चीज़ें हैं एक है हामिल क़रन होना और दूसरे नमाज शब का पाबंद होना अलबत नमाज शब की पाबंदी भी कुरानी तालीमत ही के देन है यानी वह भी कुरानी तालीमा पर अमल करने का एक शोबा और एक हिस्सा है असलकूम वरहि वर्क